आज मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बुध बाजार से लेकर इंपीरियल तक और ताड़ीखाना पर सोलरीकरण का कार्य किए जाने के संबंध में दो महापौर 15 बार प्रचार करने के बाद भी सभी दुकानदारों को समझाने के बावजूद भी किसी ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसको लेकर आज नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया गया। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। सुनील कपूर के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बुध बाज़ार इंपीरियल से लेकर के बुध बाज़ार ताड़ीखाना, इस पूरे एरिया में रेट्रोफिटिंग यानी सौंदर्यकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में आज से दो माह पूर्व भी हमने लगभग 15 बार प्रचार कराया, इनके साथ करीब 10 राउंड की वार्ता हुई। इन सभी दुकानदारों को समझा दिया कि देखिए, आपके द्वारा जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाया जाना आवश्यक है, तभी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ये शासन की, भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंदर नगरवासियों के लिए, विशेष तौर से दुकानदार भाइयों के लिए ही एक ऐसा मार्केट हम बनाने जा रहे हैं जिसमें सिमेट्री रहेगी, एक जैसी दुकानें होंगी, एक जैसे बिजली के पोल्स होंगे, तो ये सुंदर लगेगा, उनका व्यापार ही बढ़ेगा। उनको बताया गया, निशानदेही हमने करा दी है, अनाउंसमेंट करा दिया है। आज हम इस दिनांक को अतिक्रमण हटाने के लिए उपस्थित हैं, सभी हमारी टीम है। अभी हमने आधे घंटे का समय इन सभी व्यापारी भाइयों को दिया है कि स्वयं हटा लें, किसी का नुकसान ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। हमारा दायित्व केवल शासकीय कार्यों को निर्वहन करने का है, उसी क्रम में अतिक्रमण अभियान चल रहा है। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज़, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।